सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन उदासी मानसिक अशांति शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटी महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मांगलिक दोष को हम कुंडली से कैसे पहचानें। आइए दर्शकों, क्योंकि कुंडली में एक मांगलिक योग होना एक अपने आप में कई बार बहुत लोगों के लिए समस्या का कारण बन जाता है। कहते हैं कि आपने सब चीज़ें हम लोगों से ही सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कि अगर मांगलिक बच्चा है या मांगलिक बच्ची है, यानी कि हम अपनी भाषा में उसको जातक कहते हैं, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, अगर जातक की कुंडली में मंगल विराजमान है, अब मंगल तो कहीं ना कहीं विराजमान आ ही गई, 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से आपके कहीं ना कहीं 9 ग्रह में मंगल भी होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं आएंगे ही। लेकिन ये हम कैसे पहचाने, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मांगलिक को पहचाना कैसे जाता। जैसे कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो, कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल हो, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो, द्वादश भाव में मंगल हो, 12वें घर में मंगल हो, तो ऐसा जातक मांगलिक होता है, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। दूसरी बात, वो ये तो मैंने बताया लगन से, कुछ लोग चंद्रमा से भी ये स्थिति देखते हैं, कुछ लोग शुक्र से भी ये स्थिति देखते हैं, लेकिन हमने अनुभव किया है और अनुभव बहुत लोगों से सुना भी है, क्योंकि अपना अनुभव भी होता है और कई बार हम बहुत लोगों का अनुभव भी गेन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि लगन से जो मांगलिक योग होता है वो अपने आप में बड़ा फल रखता है, अर्थ रखता है। शुक्र से मांगलिक होना, चंद्र से मांगलिक होना, ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी विशेषता डरने वाली बात नहीं होती है। अब मंगल जब भी कर्क राशि में होगा तो मंगल नीचगत हो जाता है, मंगल जब भी मकर राशि में होगा तो मंगल उच्च के हो जाते हैं, मंगल वृश्चिक में हो स्वराशि के होते हैं, मंगल मेष में हो तो स्वराशि के होते हैं। अब एक चीज़ और सुन लीजिए आप ध्यान से, सप्तम भाव कुंडली का विवाह का होता है। अब सप्तम भाव में मंगल विराजमान है किसी बच्चे के, और ऊपर से वो कर्क राशि के हैं, नीचगत हैं, और वहीं सूर्य भी बैठे हों तो अस्त भी हो गए और नीच भी हो गए। सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अब कहने का मतलब कि ऐसा बच्चा या बच्ची कि जिसकी कुंडली में मांगलिक योग भी बन गया, क्योंकि हमने बताया सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो वो बच्चा मांगलिक होता है लगन के हिसाब से, अब मंगल मांगलिक भी बन गया, ऊपर से उसके मंगल नीच भी हो गए और ऊपर से उसके मंगल अस्त भी हो गए, तो यहाँ एक बहुत बड़े विचार की ज़रूरत पड़ेगी कि हम ऐसे बच्चे का विवाह मांगलिक के साथ करें। भूलकर भी हम यह ना सोचें कि किसी के भी साथ हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके मंगल भले ही सप्तम भाव में विराजमान हो, मंगल उच्च के हो, मंगल नीचगत ना हो, मंगल के ऊपर किसी क्रूर ग्रह या किसी ऐसे ग्रह की शत्रु ग्रह की लाइक राहु शनि ऐसे किसी विपरीत ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अब ये बात तो हो गई कि बच्चा आपका मांगलिक है, आपने जान लिया,
डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, तो आपकी हाथ की रेखाओं से पता लग जाता है कि बच्चा मांगलिक है या नहीं मांगलिक है। हाथ की रेखाएं भी आप अपनी दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, कभी कभी मांगलिक होने की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल जाते हैं। लड़का हमें बहुत पसंद है, लड़के का कारोबार पसंद है, जॉब पसंद है, फैमिली पसंद है, लड़के की नेचर पसंद है, लेकिन बस जब भी कुंडली कहीं लेके गए, अरे आपकी बच्ची तो बहुत भयंकर मांगलिक है और ये बच्चा तो मांगलिक नहीं है। इम्पॉसिबल, ये विवाह नहीं हो सकता। उस स्थिति में विवाह हो सकता है, आपको लड़का पसंद है, आपको सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ हम मंगल की डिग्री को, मंगल के बल को, सप्तम भाव की दृष्टि को, चतुर्थ भाव की दृष्टि को और द्वितीय भाव और पंचम भाव की दृष्टि को अगर हम नापें तोलें और वहाँ पर सब कुछ सही से नज़र आता है तो नॉन मंगलिक के साथ भी बच्ची का विवाह किया जा सकता है। तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते इस मांगलिक योग की वजह से भी खराब हो जाते हैं। और भी कुछ इसके बारे में आज हम आपको बारीक जानकारी देने वाले हैं जी। शमल जी, अभी और भी बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, मैं हेमंत कुमार सक्सेना बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। सर, मेरा भाई दीपक कुमार सक्सेना है, उसका लाइफ में कुछ हो रहा नहीं है, ना तो शादी हो रही है, ना ही उसका कुछ नौकरी का हो रहा है, बिल्कुल यानी कोई काम बन ही नहीं रहा, समझो इज अराउंड 50 इयर्स। चलिए आपको बता देते हैं कि दीपक कुमार ऐसा क्या करें कि जिससे उनके जीवन में उनका दीपक प्रज्वलित हो, एक रोशनी आए। प्रसन्न शास्त्र की बात करें, अब जैसे बताया कि अराउंड 50 इयर्स, 50 साल के वो होने वाले हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कई बार दर्शकों को जीवन ऐसा हो जाता है कि जीवन की आखिरी सांस में भी हमें दुख देखना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो आप चिंता ना करें, दीपक जी से एक चीज़ कहिएगा कि वो प्रतिदिन माँ भगवती का एक हम मंत्र बता रहे हैं, ओम सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् भैरी विनाशनम, इस मंत्र को माँ भगवती का ध्यान करते हुए प्रतिदिन पढ़ा करें। और साथ में इसी के साथ एक भैरव जी का मंत्र है, कहीं किसी से लिखवा लीजिएगा शुद्ध तरीके से, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। अब मुझे उम्मीद है शायद आप लिख ना पाए हों, पहला मंत्र है दुर्गा जी का, दूसरा मंत्र है भैरव जी का। दोनों देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इन दोनों मंत्रों को वो पढ़ने लग जाएं, कम से कम 20-25 मिनट पढ़ें, और साथ में कम से कम 5 या 7 महीने रेगुलर घर में गणपति यज्ञ कराया जाए। अगर ये ऐसा कर लेते हैं, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं बहुत अच्छे से उनके कार्य संपन्न होंगे। और जैसे कि आपने बताया कि सारा जीवन अस्त व्यस्त रहा, कुछ भी उसमें नहीं हो पाया है, भगवान की कृपा ज़रूर होगी, आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। भैरव जी का मंत्र किसी से लिखवा लें, दुर्गा जी का है ओम सर्वा बाधा परशमनम, बस इतना आप लिख लें, ओम सर्वा बाधा परशमनम। बाकी दुर्गा सप्तशती के पहले ही पेज पर ये आपको सप्तशलोकी में मंत्र मिल जाएगा, अंतिम 7वां मंत्र है, बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, आपको एक बार फिर बता दें, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी वही, मैं अभी जो पहला प्रश्न किया था, और एक सर प्रश्न मेरा है कि मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैं सबका अच्छा ही करता हूँ, लेकिन मेरे से आजकल लोग काफी नाराज चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं पूरा अपना? हेमंत कुमार सक्सेना। अच्छा, वो आपने ब्रदर के लिए तो हमने बता दिया ना आपको। जी जी, बता दिया। मेरे लिए हर एक का अच्छा ही करता हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा लोग नफरत करने लगे, ऐसी पता नहीं क्यों। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं बैंकर हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, कैशियर हूँ। अच्छा, चलिएगा, खैर, वैसे तो कैशियर की बड़ी टेंशन वाली जॉब होती है। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे सभी लोग आपसे प्रेम करें, बहुत अच्छे से मित्रवर्त आपके साथ व्यवहार हो, क्योंकि बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है एक कैशियर व्यक्ति की, भाई 10 रुपया इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बड़ा दिक्कत हो जाती है कई बार। क्या किया जाए जिससे आपसे सब मोहित रहें, प्रसन्न रहें? बहुत लाजवाब मंत्र बता रहा हूँ, और अगर और भी व्यक्ति
ऐसी समस्या से पीड़ित हूँ कि हमसे सब क्रोधित से रहते हैं, अनमने से मन से हमसे सब बात करते हैं, कहीं लगता है कि हमारी इमेज उनकी नज़र में अच्छी नहीं है, तो क्या किया जाए? वास्तव साहब नोट कर लें आप, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, लिख लें ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन पढ़ा करें और दो रंग का तिलक लगाया करें। बहुत व्यक्ति माथे पर तिलक लगाते हुए शर्म सी नज़र आती है, कान के पीछे लगा लें, कंठ पर लगा लें, हृदय पटल पर लगा लें, दो रंग का तिलक लगाया करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक्वेरियम यदि आपने घर में रखा हो, एक्वेरियम आप घर में ना रखें। आपने राहु से संबंधित यदि कोई नगनगीना पहन रखा हो, लाइक गोमेद आपने पहन रखा हो, या आपने केतु से संबंधित कैट्स आए लहसुनिया पहन रखा हो, तो दोनों ही रतन आप उतार दें, इन्हें आप कदापि धारण ना करें। मैं अपने अन्य दर्शकों के लिए भी एक सूचना दे देता हूँ कि अमून हम देखते हैं कि लोगों की मिडल फिंगर में काला सा भद्दा सा एक रतन लोग पहन लेते हैं, आप ना पहना करें, गले में भी ना पहना करें, क्योंकि राहु कोई ग्रह नहीं है, ये ग्रह नहीं है, ग्रह केवल ज्योतिष की परिभाषा में 7 ग्रह होते हैं। ये तो हम लोग वैसे ही चिल्लाते रहते हैं 9 ग्रह होते हैं, केवल 7 ग्रह दर्शकों होते हैं। ये जो राहु और केतु ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं। देखो मेरे मुँह से फिर ग्रह निकल गया, ये केवल एक छाया मात्र हैं, ये कोई ग्रह नहीं है। ये तो एक आपने किस्सा सुना हो, जब विष्णु समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत बट रहा था, तो ये राहु नामक राक्षस ने वो अमृत थोड़ा सा पी लिया था, कंठ तक पहुंचा था, तभी विष्णु जी के चक्र चला और ऐसे धड़ अलग हो गया, तो आधा हिस्सा राहु बन गया, आधा हिस्सा केतु बन गया। तो ये तो एक असुरों की सभा का एक व्यक्ति नुमा एक चीज़ हुई है। तो कहने का मतलब ये एक असुरी प्रवृत्ति की चीज़ मैं कह सकता हूँ इसको। इसलिए दर्शकों ध्यान रखें, गोमेद जब भी पहने, जब बहुत ही कोई व्यक्ति आपको प्रेस कर रहा है या अच्छे से आपको समझा रहा है, अदरवाइज आप गले में कृपया गोमेद ना पहना करें। राहु का नगीना या राहु का यंत्र घर में रखना, राहु का कोई नग गले में पहनना, मिडल फिंगर में पहनना, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी असुविधा पैदा कर सकता है। जब भी पहने, बहुत सोच समझ करके पहने, ये एक तरह से बिजली के करंट को हाथ लगाने वाली बात हो जाती है। कई बार आपको समझ में नहीं आता, महंगे महंगे बड़े प्रिकेशियस ऐसे इस टाइप की चीज़ें आप पहन लेते हैं, जैसे कभी कभी चीज़ तो हमें बड़ी डिलीशियस नज़र आती है, बड़ी स्वादिष्ट नज़र आती है, लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। शुगर के मरीज के लिए मिठाई खाना आप समझते हैं। तो आप क्या किया करें, जब भी इस प्रकार के रतन पहनते हैं, अच्छे से किसी मर्मज्ञ से आप उसकी जानकारी लें, तब रतन पहने। अदरवाइज रतन अपनी जगह साइड इफ़ेक्ट भी कर देते हैं और भयंकर तरीके से करते हैं। हाँ, मंत्र कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, भगवान की साधना कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, माता के चरण छूना हमेशा अच्छा होता है, कभी भी दुखदाई और कष्टदाई नहीं हो सकता जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं 5 दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है, साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 0958224809, 0813094-8703।
संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? राजीव कुमार वर्मा जी। कहाँ से बोल रहे हैं राजीव जी? कन्नौज से बोल रहे हैं, यूपी से जी। अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, सर, गुरु जी से ये पूछना था सर, हमारा एक फार्म सर अभी हमें एग्जाम दिया है सर, उसमें हो जाएगा मेरा सर क्या? बेटा किस लेवल का एग्जाम है ये? सर ये UPPSC का सर है। अच्छा, UPPSC राजस्व निरीक्षक का सर। अच्छा अच्छा, जहाँ तक आपकी आवाज़ को सुनते हैं और प्रश्न शास्त्र को देखते हैं तो आप ट्राई करते रहिएगा, हमें पूर्ण विश्वास है और प्रश्न शास्त्र भी आपके हक में जाता है, कहीं ना कहीं सरकारी जॉब आपको मिलनी ही चाहिए, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आपने बताया इस बार आपने कोई राउंड दिया है, आप मतलब निराश मत होना, हमें पूर्ण विश्वास है कम से कम 1 से 1.5 वर्ष के भीतर आपको सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, यदि हम प्रश्न शास्त्र की मूक वाणी को समझते हैं तो। सेकंडली, भगवान श्री गणपति के 108 नाम देखो, इस कली काल में, इस कलयुग में दर्शकों 3 साधनाएं बड़ी फलीभूत होती हैं, माँ भगवती की साधना, भगवान गणपति की साधना और चिरंजीवी देव भगवान हनुमान जी की साधना, तब त्वरित फल देती है। तो आप क्या किया करें, गणेश जी के 108 नाम और आदित्य हृदय स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़ा करें, हमें पूर्ण विश्वास है आपका कार्य सिद्ध होगा। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनके माध्यम से आप नाना प्रकार के अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपनी बस हमेशा साधना पर जोर दिया करें, आप हमेशा जिस मंत्र को चैंट करते हैं, जिस मंत्र को आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, आप उसी मंत्र को अपने प्रगाढ़ बना लिया करें, निश्चित तौर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। तो ध्यान रखें, अपनी साधना को अवश्य आप लोग बढ़ाएं। और दर्शकों, यहीं हम फटाफट प्रारंभ कर लेते हैं आज की ध्यानमाला। समय हो चला है दर्शकों आज की ध्यानमाला से जुड़ने का, भगवान शिव से आज जुड़ेंगे। सभी निरोगी रहें, सभी प्रसन्न रहें, भगवान शिव सभी को आशीर्वाद दें। ध्यान करें भोलेनाथ का, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम यातो रुद्रा शिवा, ओम जुम्से सहजुमोम, ओम जुम्से सहजुमोम, डमड 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 डमनी नाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभरम भरम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगजुललाट पट पावी के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीयक्षणम मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजम्बणा मधुर्वतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम गजांतकम तमंतकांतकम भजे। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रहस्तम मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न के शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवामयम्। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वास्तव में दर्शकों, भगवान शिव की साधना
जीवन से जितनी भी उलझने होती हैं निकाल करके फेंक देती है। तो आप भगवान शिव की साधना से जरूर जुड़ा करें और एक छोटा सा कार्य हमारा भी किया करें कि इस ध्यान माला से स्वयं भी जुड़ें और जितने लोगों को ध्यान माला से आप जोड़ सकते हैं आप जोड़ते जाइए, आपको आनंद आएगा, आपके कार्य घर बैठे बनेंगे। आप इस ध्यान माला से जुड़ा करें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया करें। जी समझिए, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मांगलिक वाले जातक का विवाह जो है नॉन मांगलिक जातक से किया जा सकता है? हाँ, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे अभी शुरू में भी कि कई बार बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हम छोड़ बैठते हैं। सबसे पहली बात, हमारे दर्शक इस बात को तय कर लें कि वास्तव में आपकी बेटी या बेटा मांगलिक हैं या नहीं। कई बार तो हमने देखा है कि मांगलिक होते ही नहीं हैं और हम ढूंढते रहते हैं। कई बार जब हमने दोबारा कुंडलियाँ बनाई हैं देखा, अरे आपकी बच्ची तो मांगलिक नहीं है, आपका बच्चा तो मांगलिक नहीं है, कैसे आपने कुंडली बनाई? और एक इन मशीनों का सारा छोड़ दो, आजकल सब मशीनों से कुंडलियाँ बन रही हैं, सब धड़ाधड़ कुंडलियाँ बन रही हैं। तो आप हाथ की गणना, हाथ की कैलकुलेशन के माध्यम से यदि कुंडलियाँ आप बनवाते हैं उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात, कई बार जब आप देख लेंगे कि सब कुछ अच्छा है और बच्चा या बच्ची एक मांगलिक है तो नॉन मांगलिक से भी विवाह किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपना ज़माना याद कीजिएगा और हम लोग यदि अपना ज़माना याद कीजिए, हम तो खुद एस्ट्रोलॉजी को जन्म से जानते हैं, लेकिन आप सोचना कि जब हमने कभी कुंडलियाँ नहीं मिलाई, जब हमारी शादी हुई हमने नहीं कुंडली मिलाई। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप सोचते होंगे आप हमें ही शर्मा जी आप क्यों फतवे जारी करते हैं कि आप कुंडलियाँ मिलाएं, जाको राको साइयाँ। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं जो पुराने समय में नहीं कुंडलियाँ कोई मिलाता था और ऐसे ही हमारे चाचा दादा जाया करते थे और रिश्ते हो जाया करते थे। आज तो सब कुछ बदल गया, आज तो पहले लड़का पसंद करेगा तो उसके बाद फिर कुंडली देखी जाएगी और बहुत सारी चीज़ें, अब तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। बताइए, लड़की वालों से या लड़के वालों से मेडिकल सर्टिफिकेट तक मांगा जाता, फिजिकली सर्टिफिकेट। तो ये बड़ी बाहियात सी बातें चल रही हैं, अब क्या किया जाए। खैर, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको लगता है वर वधू में से कोई एक व्यक्ति हमें बहुत पसंद आता है और मांगलिक की वजह से हम रिश्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी सुलझे हुए व्यक्ति के पास जाइएगा, वो रिश्ता 100% किया जा सकता है और वो रिश्ता अच्छा रहेगा। हम में से, आप में से ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने कुंडलियाँ नहीं बनाई, बहुत खुश हैं, और हम में से ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने खूब गौर से कुंडलियाँ बनाई, रिश्ते किए और वो टूट गए, नहीं चल पाए। तो कमी इसमें विद्या की नहीं है ना, कमी हम जैसे विद्यार्थियों की है, कहीं ना कहीं हम परिपक्व नहीं होते हैं और आपकी कुंडली देखने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं। तो दर्शकों, विद्या की कमी कभी नहीं होती है, विद्यार्थी की कमी होती है, पुस्तक की गलती नहीं होती है, फेल होने वाले की गलती होती है, ना शिक्षक की गलती होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, आप ऐसी स्थिति में रिश्ता कर सकते हैं और यदि दोनों मांगलिक हैं उस स्थिति में भी कर सकते हैं। देखो, वो ज़माना एक ऐसा था कि लोग इतने सभ्य, आपस में आचार विचार रहन सहन बहुत सारी चीज़ें अलग थी आज से। अब आज बड़ा डिफ़िकल्ट सा टाइम है, इसलिए आज के इस कलिकाल में, इस परिवेश में इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है भाई कुंडलियाँ मिलाओ। अब बहुत लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर साहब बहुत सारे इंजेक्शन लगा देते हैं, अरे उस समय तो एक ही टीका लगता था, हाथ में निशान सा बड़ा सा बन जाता था, उस समय इतनी खाद कहाँ खाते थे, अब हर चीज़ में यूरिया पड़ता खाने में पीने में दूध में, तो इसलिए वो इंजेक्शन भी ज़्यादा लगते हैं बचाव के लिए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो उसी तरह अब कुंडली मिलाना थोड़ा सा आज के इस माहौल में ज़रूरी हो गया है, सभी बच्चे जॉब करते हैं, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रही है, जरा सी कोई बात हुई नहीं क्रोध आ जाता। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले चेक करें कि आपका बच्चा वास्तव में मांगलिक है या नहीं मांगलिक है, और फिर आप जो भी रिश्ता करना चाहते हैं अच्छी तरह से एक दो पंडित जी से अच्छी क्रॉस राय लें, अध्ययन कराएं और फिर आगे बढ़ें, निश्चित लाभ मिलेगा। और एक चलते चलते एक बात लास्ट कर देता हूँ, अंबिका यंत्र जहाँ रिश्ता ना होता हो, विवाह विलंब से होता हो, रिश्ते टूटते हो, आप घर में अपने अंबिका यंत्र रखें, अंबिका यंत्र की साधना की जाए, निश्चित तौर से आपको अच्छा लाभ ज़रूर मिलेगा। जी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र, तीन विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशि यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंच दिशि यंत्र सम्मिलित है।
ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है, साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 0958224809, 0813094 8703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।